दिय स्टूडेंट दिस इज द लास्ट स्टेंजर ऑफ दिस पोइम एंड इन दिस इजेंजर द पोइट इज रीचिंग टू अ कंक्लूजन अब तक जो हमने देखा जो पोइट की बातचीत हो रही थी उस छोटी सी बच्ची के साथ अबाउट हर सिबलिंग्स तो हम देख चुके हैं कि क्या बातचीत उनकी हुई मैं आई विल नॉट रिपीट इट हियर सिंस आई हैव दैट इन इन डिटेल प्रीवियस स्टैंडर्स उसको पूरा रिपीट करना पॉसिबल नहीं है मैं उन्हें पहले के स्टैंडर्स में डिस्कस कर चुकी हूँ इन अ नटशेल वो बच्ची बताती है पोइट को दैट शी एज सेवन सिबलिंग्स इंक्लूडिंग हर एंड देन शी टेल्स दैट टू ऑफ देम आर डेड दो की मृत्यु हो चुकी है देन द पोइट आज

she knits her uh, stocking there and she sometimes has her food also there and she sings uh, sings songs to them so she feels that she is still associated with them and she uh, feels their presence to ye kuch ऐसी बात है जिसको शायद logically नहीं समझा जा सकता उसका जो emotional और physical bond है अपने जो departed उस भाई बहन है उन उस की वजह से दैट गर्ल इज स्टिल शी स्टिल शी इज़ फीलिंग दैट हर सिबलिंग्स आर विद हर इवन नाउ दो दे आर फिजिकली नॉट इन दिस वर्ल्ड शी फील्स दैट स्परिचुअली और मे बी इमोशनली दे आर स्टिल विद हर सो लेट एस सी दिस एसटेंजर यर अगेन द पोइट इज आस्किंग

लेफ्ट फॉर देयर हैवेनली अबोर्ड वो अब स्वर्ग में जा चुके हैं ये माना जाता है कि किसी की जब धरती पर मृत्यु हो जाती है इन दिस मटीरियल वर्ल्ड देन देयर स्पिरिट्स डिपार्ट फॉर देअर हैवनली अबोर्ड स्वर्ग में चले जाते हैं और देखिए यहाँ इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो रहे हैं फर्स्ट टू लाइन्स में इसका मतलब ये दोनों लाइन्स जो हैं वो पोइट की स्पीच है एंड देन पोइट uh, जो है ये वो uh, कह रहे हैं उस छोटी बच्ची से लेकिन उनके इन शब्दों का उस बच्ची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता इट वॉज थ्रोइंग वर्ड्स अवे ही सेज़ कि ये जो मेरा कहना था इट वॉज़ लाइक थ्रोइंग वर्ड्स अवे जैसे थ्रो मीन्स फेंकना जैसे हम किसी चीज़ को फेंक देते हैं इट वॉज़ लाइक दैट आई वॉज थ्रोइंग माई वर्ड्स अवे मैं बस फेंक रहा था माई वर्ड्स हैड नो इम्पैक्ट अपॉन दैट लिटिल गर्ल

सात भाई बहने वी आर सेवन सिबलिंग्स तो यहाँ हम ये यह समझ सकते हैं कि आ, दो तरह के कंक्लूज़न हम इस कविता से निकाल सकते हैं एक तो ये है जो कवि कह रहे हैं कि उस बच्ची को समझाना जो है इट इज़ अ फ्रूटलेस टास्क मतलब इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ वर्ड्स इट इज़ लाइक थ्रोइंग अवे द वर्ड्स बिकॉज द गर्ल इज़ नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड दैट हॉर सिबलिंग्स हैव डाइड वो मर चुके हैं वो बच्ची मारने को तैयार नहीं है तो ये uh, बेकार की बात है इससे क्यों इसको समझाया जाए या क्या कहा जाए बट इफ़ वी सी फ्राम द परस्पेक्टिव ऑफ दैट लिटिल गर्ल अगर हम उस बच्ची के नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो शायद शी माइट स्टिल बी फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ हर डिपार्टिड siblings and she still enjoys their companies or is she is still sharing that emotional bond with them and that is why she doesn't say that they are five she says that they are still seven. So I hope बच्चों के आपको ये poem समझ में आई होगी मैंने इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रखने की कोशिश की है for your convenience so please revise it well stanza number thirteen and uh,